रात पड़ते ही सर्दी बढ़ गई थी। वो सब चनार के दरख्त के नीचे से उठकर लकड़ी के बने हुए एक पुराने कैबिन के अंदर जा बैठे। कश्मीरी मुजाहिदों की एक जमात भी लीडर को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देने और मजीद हिदायत लेने वहां आ गई। उन सब ने मिलकर खाना खाया, फिर इशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मुजाहिदों की जमात रुखसत हो गई। इमरान ने देखा कि मुजाहिदों के चेहरे जिहाद के जोश और नूरे ईमान से चमक रहे थे। उनसे मिलकर कमांडो इमरान के जज्बाई ईमानी को मजीद तकवियत मिली। लीडर ने इमरान से कहा, मेरा ख्याल है तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें सारी रात दुश्वार गुजार पहाड़ियों में सफर करना है। इमरान बोला, मैं सारा दिन सोता रहा हूँ, बिल्कुल ताजा दम हूँ। वैसे भी कमांडो ज्यादा नहीं सोया करते और मैदान जिहाद में तो एक मुजाहिद नींद से बेनियाज होता है। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे एक खुफिया ठिकाने पर जरूरी जाना है, एक घंटे तक वापस आ जाऊंगा, इतनी देर तक हैदर अली भी आ जाएगा। इतना कहकर लीडर चला गया। इमरान वहीं कंबल ओढ़कर कोने में बैठ गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने नए मिशन के बारे में सोच रहा था। अगरचे हैदर अली की शक्ल में एक तजर्बाकार पुरजोश मुजाहिद कमांडो उसके साथ था, लेकिन इमरान को अपना पुराना साथी कमांडो जिब्रान बहुत ही याद आया। वो खुशकिस्मत था कि आजादी कश्मीर की खातिर जंग करता हुआ मैदान जिहाद में शहीद हुआ। काश मुझे भी शहादत का मकाम नसीब हो। उसने खुदा के हुजूर अपनी शहादत की दुआ मांगी और आंखें बंद करके दिल में कलमे का विर्द करने लगा। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। रात के 10:30 बजे का वक्त होगा कि कमांडर हैदर अली आ गया। वो अपने साथ दो पहाड़ी खच्चर लाया था। इमरान पहले से तैयार बैठा था, उसके साथ लीडर भी जाग रहा था। हैदर अली ने स्याह शलवार कमीज पहन रखी थी, सर पर स्याह रुमाल बंधा था, गले में दूरबीन लटक रही थी। उसने गर्म जैकेट की जेब में से एक पिस्तौल निकाल कर मुझे दिया। उस्ताद जी, ये अपने पास रखो, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। इमरान ने नसवारी कमीज शलवार पहनी हुई थी, ये कपड़े उसे लीडर ने दिए थे, ऊपर अपनी पुरानी जैकेट पहन ली थी। इमरान ने पिस्तौल अपने पास रख लिया। उसने हैदर अली से कहा, फासले का ख्याल रखना, सिक्योरिटी ज्यादा टाइट हो तो वापस आ जाना। हैदर अली बोला, ओके लीडर। ये कहकर वो खच्चर पर सवार हो गया। इमरान भी सवार हो गया। वो आगे आगे था और इमरान पीछे पीछे रात की तारीकी में अपने टारगेट की मुशाहिदाती मुहिम पर रवाना हो गए। मुजाहिदीन का ये खुफिया ठिकाना जहाँ से वो रवाना हुए थे पहाड़ियों से घिरे हुए जंगल में था। वहीं से वो एक घाटी में उतर गए। हैदर अली ने कहा, ये खच्चर पहाड़ी रास्तों पर चलने के आदी हैं, इन्हें रात के अंधेरे में रास्ता नजर आ जाता है। इमरान खामोश रहा। पहाड़ी जंगल की घाटियों, खड्डों और दुश्वार गुजार दर्रों में से गुजरते रहे। हैदर अली मुश्किल मगर महफूज रास्ते से ले जा रहा था। झाड़ियाँ उनके घुटनों से टकरा रही थी, दरख्तों की लटकती हुई शाखें चेहरों को छू रही थी। जहाँ ढलान आ जाती, खच्चर बड़ी एहतियात के साथ अपनी टांगों को समेट कर उतरते। दोनों बिल्कुल तजर्बाकार पहाड़ी देहातियों की तरह एक हमवार मैदान में आ गए। यहाँ एक जानिब खेतों में शायद धान की फसल खड़ी थी। आसमान पर सितारे खूब चमक रहे थे, उनकी धीमी रोशनी हमें रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। फजा ठंडी और हवा में शबनम की नमी थी। वो धान के दो खेतों के दरमियान एक तंग रास्ते पर से गुजर रहे थे। खेतों में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सर्दी लगने लगी तो उन्होंने खच्चरों के झोले में से कंबल निकाल कर ओढ़ लिए। खच्चर एक दूसरे के आगे पीछे नपीतुली रफ्तार से जा रहे थे। खेतों और मैदान का सिलसिला दूर से नजर आने वाली पहाड़ियों के धुंधले खाकों तक फैला हुआ था। खेतों से निकलने के बाद हमने खच्चरों की रफ्तार तेज कर दी। अब वो एक दूसरे के पहलू ब पहलू चल रहे थे। रास्ते में एक दो गांव भी आए। किसी किसी मकान के बाहर बांस के साथ लटकी हुई लालटेन जल रही थी। खच्चर घोड़ों की तरह दौड़ नहीं रहे थे, हल्की रफ्तार पर चलने की कोशिश कर रहे थे। फासला जल्दी तय हो गया और वो पहाड़ी सिलसिले के दामन में पहुंच गए। यहाँ से मामूली चढ़ाई शुरू हो गई। ढलान पर इधर उधर चनार और चीड़ के दरख्त रात की तारीकी में खामोश खड़े थे। वो पहाड़ी पर चढ़ने की बजाय उसके गिर्द बने हुए छोटे से पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। इलाका सुनसान पड़ा था। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था। एक जगह चश्मा बह रहा था, हैदर अली वहाँ रुक गया। वो खच्चरों से उतर पड़े, ठंडे मीठे पानी के एक दो घूंट पिए। खच्चरों ने भी थोड़ी बहुत घास चर कर पानी पिया। हैदर अली ने एक तरफ इशारा किया, कहने लगा, हमें इन पहाड़ियों में जाना है, हम असल रास्ते से हटकर जा रहे हैं। 10 मिनट वहाँ बैठने के बाद हम आगे चल पड़े। एक पहाड़ी के दामन से निकलकर वो दूसरी पहाड़ी के दामन में आ गए, फिर उस पहाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया और तीसरी पहाड़ी के पास आकर उसकी चढ़ाई चढ़ने लगे। ये पहाड़ी ज्यादा बुलंद नहीं थी मगर दरख्त बहुत थे। हैदर अली रास्ते से वाकिफ था,
वो इस तरह खच्चर को आगे आगे चला रहा था जैसे दिन का वक्त हो। पहाड़ी की चोटी पर आकर हम दूसरी तरफ उसकी ढलान उतरने लगे। सामने साथ साथ दो ऊंचे नीचे टीले खड़े थे, उनके दरमियान एक तंग और तारीख रास्ता सुरंग की तरह नजर आ रहा था। हैदर अली ने कहा, हम इस दर्रे में से जाएंगे। उन्होंने खच्चर पहाड़ी दर्रे की सुरंग में डाल दिए। बड़ा तंग रास्ता था, सिर्फ एक खच्चर ही गुजर सकता था। ये दर्रा काफी तवील था। उस दर्रे से बाहर निकले तो हैदर अली एक घाटी में उतर गया। इमरान ने अपना खच्चर उसके पीछे डाल दिया। घाटी के नीचे खुश्क रेतीला रास्ता बना हुआ था। हैदर अली ने आहिस्ता से कहा, ये बरसाती नाला है, बरसात में यहाँ पानी इतना तेज होता है कि आदमी को बहा कर ले जाता है। नाला खत्म होने का नाम नहीं लेता था। वो तकरीबन आधा घंटा नाले में चलते रहे। नाला खत्म हो गया, वो एक बड़े पहाड़ की ढलान चढ़ने लगे। ये पहाड़ ऐसा था कि कुछ ऊपर तक चढ़ाई के बाद हमवार जगह आ जाती, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू हो जाती। आखिर वो पहाड़ी की चोटी पर आ गए। यहाँ चीड़ के दरख्त सुतूनों की तरह साथ साथ खड़े थे। यहाँ से वो एक बार फिर दूसरी तरफ की ढलान उतरने लगे। ढलान उतरते उतरते एक हमवार जगह आई तो हैदर अली ने खच्चर को रोक दिया। इमरान का खच्चर अगले खच्चर को रुकते देख कर खुद ब खुद रुक गया। वो नीचे उतर कर बैठ गए। हैदर अली ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ से हसास और सिक्योरिटी का इलाका शुरू हो जाता है, हम खच्चर इस जगह बांध देंगे और आगे पैदल चलेंगे। चुनाचे वो अपने अपने खच्चर को दरख्तों के नीचे ले गए और उन्हें वहीं दरख्त के साथ बांध दिया। उन्होंने अपना अपना कंबल उतार कर खच्चरों पर डाल दिया। हैदर अली ने खच्चरों की रस्सी इतनी ढीली रखी थी कि वो दो तीन कदम आगे पीछे हटकर घास वगैरह चर सकते थे। वो दरख्तों के साथ साथ होकर अंधेरे में चल रहे थे। हैदर अली एक तजुर्बेकार गाइड की तरह इमरान की रहनुमाई कर रहा था। आगे निशान थी। हैदर अली एक पहाड़ी पगडंडी को तलाश करके नीचे उतरने लगा। इमरान उसके पीछे पीछे था। पगडंडी एक खड्ड में उतर गई। वो झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर खड्ड में उतर रहे थे। उस खड्ड में किसी जगह से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। हैदर अली रुक गया। उसने इमरान के कान के करीब होकर सरगोशी में कहा, इस चश्मे से खतरनाक एरिया शुरू हो जाता है, हरगिज हरगिज कोई आवाज ना निकालना। हैदर अली अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा था और रुक रुक कर अंधेरे में दूरबीन लगाकर देखता हुआ चल रहा था। ये दूरबीन अंधेरे में भी देख लेती थी। वो रास्ता नहीं देख रहा था, रास्ता उसे सारा याद था। वो ये देख रहा था कि आगे कोई गश्ती पार्टी तो गश्त नहीं लगा रही। वो उस जगह आ गए जहाँ पहाड़ की ढलान में से पानी की पतली सी धार नीचे गिर रही थी। दोनों खड्ड में उतरने के बाद दूसरे किनारे पर चढ़ गए। उसके आगे एक छोटी सी हमवार जगह थी। ऊपर दरख्तों ने छतरियां डाल रखी थी। हैदर अली ने इमरान के करीब होकर सरगोशी की, मेरे पीछे पीछे झुक कर चले आओ। इमरान ने ऐसा ही किया। 10-12 कदम चलने के बाद हैदर अली बैठ गया। उसने दूरबीन आंखों के आगे लगाकर नीचे देखा। इमरान उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। हैदर अली ने दूरबीन इमरान की तरफ बढ़ाई। इमरान ने दूरबीन लगाकर नीचे देखा। नीचे एक चौड़ी और लंबी खड्ड थी जहां कहीं कहीं दो एक बड़ी धीमी रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। वो शेड से ढके हुए थे। दूरबीन की वजह से मंजर रात की तारीकी और धुंधली रोशनी में भी सब्ज रंग के साथ साफ नजर आ रहा था। खड्ड के अंदर जगह जगह छतें बनी हुई थी जिनके ऊपर झाड़ियों पत्तों वाले जाल डालकर उन्हें कैमोफ्लाज किया गया था। खड्ड सारी की सारी शुरू से आखिर तक उन कैमोफ्लाज की हुई छतों से भरी हुई थी। हैदर अली ने इमरान के कान में सरगोशी करते हुए कहा, ये भारतीय फौज के जंगी साजो सामान का खुफिया जखीरा है। गौर से देखो, तुम्हें खड्ड के शुरू के और आखिरी सिरों पर तोपों और टैंकों की नालियां बाहर निकली हुई नजर आएंगी। इमरान ने खड्ड के दोनों सिरों पर निगाह दौड़ाई। हैदर अली ने ठीक कहा था। खड्ड के दोनों सिरों पर तोपों और टैंकों को कैमोफ्लाज करके रखा गया था। उनमें से चंद एक तोपों की नालियों के मुंह ऊपर की तरफ थे और वो दूरबीन में साफ नजर आ रही थी। हैदर अली ने इमरान से सरगोशी की, बोला, ये सारी की सारी खड्ड असलहा और गोला बारूद और तोपों और दूर मार मिसाइलों से भरी हुई है। कुछ एमुनिशन खड्ड के गारों में भी डंप किया हुआ है। खड्ड के मगरबी किनारे की तरफ देखो, हमारा कमांडो ऑपरेशन उस तरफ से भी हो सकता है। इमरान खड्ड के मगरबी सिरे को दूरबीन में देखने लगा। हैदर अली ने इमरान को आहिस्ता से कहा, वापस चलो। इमरान ने दूरबीन अपने गले में डाल ली और उठकर झुके झुके पीछे आ गया। फिर वो दूसरी तरफ से पहाड़ी की ढलान उतरने लगे। ढलान उमूदी नहीं थी, फिर भी वो झुककर बड़ी एहतियात के साथ कदम रखते उतर रहे थे। ढलान पर झाड़ियां बहुत ज्यादा थीं, जो उन्हें अच्छी आड़ मुहैया कर रही थीं। इस तरह पहाड़ी खड्डों, नालों और पहाड़ी दरों में से गुजरते वो वापस उस जगह पर आ गए जहां वो अपने खच्चर दरख्तों के साथ बांध गए थे। खच्चर बड़े आराम से घास वगैरह चर रहे थे।
उन्होंने अपने अपने कंबल खच्चरों पर से उतारकर कंधों पर डाले और खच्चरों को खोलकर उन पर सवार होकर वापस चल पड़े। वो खामोश थे, आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। जब वो पहाड़ियों को पीछे छोड़कर खुले मैदान में दाखिल हुए तो हैदर अली ने कहा, उस्ताद जी क्या ख्याल है? इमरान बोला, बहुत सोच समझ कर कोई मंसूबा बनाना पड़ेगा। हैदर बोला, कुछ और बातें हैं जो मैं आपको हेडक्वार्टर चलकर बताऊंगा। इमरान ने कहा, हैरानी की बात है कि इतना बड़ा एमुनेशन का डंप है और ऊपर जहां हम बैठे थे वहां एक भी जवान पहरे पर नहीं था, उधर से किसी पेट्रोल पार्टी का भी गुजर नहीं हुआ। हैदर अली कहने लगा, उस्ताद जी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं है कि जहां हम बैठे थे वहां हमारे नीचे 20 गज उतरकर पहाड़ी की दीवार में खड़के शुरू से लेकर आखिर तक 6-7 मशीन गन्नों के मोर्चे थे। फौज की गश्ती पार्टी रात को जहां हम बैठे थे वहां से भी गुजरती है, मगर मैं तुम्हें ऐसे वक्त वहां लेकर गया था जब वहां गश्ती पेट्रोल का कम अज कम आध घंटे का वक्फा जरूर होता है। ये मैंने कई रातों के मुशाहदे और सुराग रसानी के बाद पता चलाया था। इसके अलावा मैं तुम्हें ऐसे रास्ते से लेकर गया था जिस तरफ से गश्ती पार्टी का सिर्फ दिन के वक्त गुजर होता है। जिस वक्त दोनों मुजाहिद अपने जंगल के खुफिया हेडक्वार्टर में पहुंचे तो पौ फट रही थी। जैसे ही वो खुफिया ठिकाने की हदूद में दाखिल हुए, घात लगाकर बैठे हुए मुजाहिदों में से एक स्टेन गन लिए उनके सामने आ गया। हैदर ने कोड लफ्ज बोला तो मुजाहिद एक तरफ हट गया और झाड़ियों में गायब हो गया। इसी तरह खुफिया ठिकाने के बिल्कुल करीब आकर दो मुजाहिद जिन्होंने मुंह सर लपेट रखा था मशीन गन ने तान कर सामने आ गए। हैदर ने कोड लफ्ज बोलने के बाद उनमें से एक का नाम लेकर कहा, लीडर कहाँ है? मुजाहिद ने कहा, मकान में है। मकान से उसकी मुराद लकड़ी का बोसीदा कैबिन था। उन्होंने खच्चरों से उतरकर उन्हें एक तरफ दरख्तों के साथ बांधा और कैबिन की तरफ बढ़े। कैबिन की खिड़की और दरवाजा बंद था। ऊपर रोशनदान में से लालटेन की मध्यम रोशनी बाहर आने की कोशिश कर रही थी। हैदर अली ने खिड़की पर 3 बार दस्तक दी। तीसरी दस्तक के बाद कैबिन का दरवाजा खुला। सामने लीडर मौजूद था। बोला, अंदर आ जाओ। अंदर लालटेन जल रही थी। कैबिन की फजा में मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी। लालटेन की बत्ती नीची थी। लीडर ने बत्ती ऊंची कर दी और हैदर अली से पूछा, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? वो बोला, हम महफूज रास्ते से गए थे। हैदर ने कंबल एक तरफ डालकर बैठते हुए कहा। इमरान भी कंबल एक तरफ रख कर फर्श पर बिछे हुए नमदे पर बैठ गया। लीडर ने अब इमरान से सवाल किया, तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान बोला, मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, सिर्फ इतना अंदाजा हुआ है कि इस मिशन के लिए बड़ी सोच समझ कर प्लानिंग करनी पड़ेगी। लीडर ने कहा, वो तो है, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इंडियन आर्मी ने इतना जबरदस्त और कसीर तादाद में जंगी साजो सामान जहाँ जखीरा करने के लिए नहीं रखा हुआ, वो बहुत जल्द इसे मुजाहिदीन कश्मीर के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। हैदर कहने लगा, इमरान भाई, मेरा ख्याल है कि अगर हम टारगेट की दोनों जानिब से कमांडो ऑपरेशन शुरू करें तो कामयाबी के ज्यादा इम्कानात हैं। इमरान बोला, पहली बात तो ये है कि हम इतने बड़े और फैले हुए टारगेट को सिर्फ एक दो जगह पर टाइम बम लगाकर तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक इतना गोला बारूद का जखीरा नहीं जितनी तोपें, मार्टर गन्ने, लॉन्ग रेंज गन्ने और टैंक हैं। इन तोपों, मार्टर गन्नों, लॉन्ग रेंज गन्नों और टैंकों को सिर्फ टाइम बमों से तबाह नहीं कर सकते। टाइम बम तो खाली एक टैंक पर जाकर भी फटेगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैदर ने इमरान की तायद करते हुए कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? इमरान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से पहलू बदल कर बोला, हम अगर पहाड़ी के ऊपर से जहां हम छुप कर बैठे थे रॉकेट लॉन्चर भी फायर कर दें तो वो इतने ज्यादा जंगी सामान को मामूली नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बात भी है कि दुश्मन वहां भंग पी कर नहीं बैठा, हमारे दूसरे रॉकेट फायर करने पर ही हम पर मशीन गन्नों के फायर की बारिश शुरू हो जाएगी और हमें चंद लम्हों के अंदर अंदर घेरे में ले लिया जाएगा और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा कि या शहीद हो जाएं और या अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दें। लीडर बड़ी तवज्जो से इमरान की बात सुन रहा था। इमरान ने अपनी बात खत्म की तो उसने इमरान से कहा, अगर हम टारगेट के नीचे सुरंग खोदकर उसमें बारूद भरकर उड़ा दें तो क्या ख्याल है? इमरान ने जवाब दिया, ये टारगेट दो पहाड़ियों के दरमियान एक लंबी खड्डी या दरिया की शक्ल में है, वो पहले ही जमीन की सतह से नीचे है, उसके नीचे जमीन खोदने के लिए ज्यादा वक्त, ज्यादा आदमी और ज्यादा साजो सामान की जरूरत होगी। एक तो यहाँ जमीन पथरीली है, दूसरे हम खुफिया रास्ते से काम नहीं कर सकेंगे। बहुत जल्द हमारा राज खुल जाएगा, हमें कोई और तदबीर सोचनी होगी। हैदर कहने लगा, हम ये भी नहीं कर सकते कि दोनों तरफ की पहाड़ियों के ऊपर के हिस्सों को इस तरह उड़ा दें कि सारे का सारा मलबा जंगी सामान से भरे हुए दर्रे में गिरकर उसे भर दे। इन हालात में ऐसा नामुमकिन है। हमें तो किसी ऐसे प्लान की जरूरत है जो तेजी से अमल पजीर होने वाला हो
और आनन फानन टारगेट को तबाह कर दे। पहाड़ियों के आमने सामने के दोनों हिस्सों के नीचे लंबी खड्ड में गिराने के लिए हमें पहाड़ों की दोनों जानिब लंबी सुरंग की शक्ल में बारूद बिछाना होगा, जो हमारे लिए नामुमकिन है। हैदर कहने लगा, यहाँ तो कोई ऐसी तदबीर होनी चाहिए कि जंगी सामान से भरे हुए दर्रे में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ऊपर से पेट्रोल और बारूद की आग बरसाई जाए, तब जाकर ये सारे का सारा जंगी साजो सामान तबाह बर्बाद हो सकता है। हैदर की बात सुनकर अचानक इमरान को एक ख्याल सूझा। उसने लीडर से पूछा, क्या हमें किसी तरीके से चंद एक किलो स्ट्रॉल बम मिल सकते हैं? इमरान के सवाल पर हैदर और लीडर उसका मुंह तकने लगे। लीडर ने कहा, अगर फर्ज कर लिया हम तुम्हें किसी तरीके से दो चार ऐसे बम भी मुहैया कर दें, तो तुम उन्हें लेकर क्या करोगे? बम गिराने के लिए तो एक तैयारी की भी जरूरत होती है। इमरान ने कहा, अगर किसी छोटे से तैयारी का भी इंतजाम हो जाए तो समझ लो कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। हैदर और लीडर अब एक दूसरे को देखने लगे। लीडर ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, अगर फर्ज कर लिया कि कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर भी हम अगवा करके ले आते हैं तो उसे चलाएगा कौन? हम में से तो कोई भी पायलट नहीं है। इमरान ने कहा, मैं तैयारा और हेलीकॉप्टर चला सकता हूँ। मैंने कराची की एक फ्लाइंग क्लब में बाकायदा तरबियत हासिल की है और मैं एक ऑयल कंपनी में मुलाजमत के दौरान छोटा सेस्ना तैयारा और हेलीकॉप्टर चलाता रहा हूँ। अगर मुझे कोई छोटा तैयारा मिल जाए तो मैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बम रख कर टारगेट के ऊपर प्रवास करके शुरू से आखिर तक बम गिराकर इसे तबाह कर सकता हूँ। कोलेस्ट्रॉल बम में ये खूबी जहाँ सलाहियत होती है कि उसकी लिक्विड ईंट पत्थर और लोहे से चिमट कर उसे आग लगा देती है और उसकी आग में इतनी हरारत होती है कि वो लोहे को भी चंद सेकंड में पिघला दे। इस तरीके से दुश्मन की सारी तोपों, मार्टर गनों, टैंकों और दूसरे जंगी साजो सामान को नीस्तनाबूद किया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि नीचे दर्रे में जो अग्नि मिसाइल दुश्मन ने स्टोर किए हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बमों की आग से वो भी फट जाएंगे और रही सही कसर वो पूरी कर देंगे। अब सवाल यह है कि कोई छोटा तैयारा और कोलेस्ट्रॉल बम कहाँ से हासिल किए जाएं? हैदर और लीडर अब इमरान के मंसूबे पर कम से कम गौर जरूर करने लगे थे। इमरान ने पूछा, जहां तक मुझे मालूम है कश्मीर में सिवाय श्रीनगर के और कोई हवाई अड्डा नहीं है जहां जहाज उतरे और चढ़ते हों, लेकिन हमें किसी छोटे तैयारे या हेलीकॉप्टर की जरूरत है और इस बात का इम्कान कम है कि श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कोई छोटा तैयारा या हेलीकॉप्टर मौजूद हो। अगर कोई फौजी मुशाहिदाती तैयारा या हेलीकॉप्टर मौजूद भी हुआ तो वहां सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि वहां से उनको अगवा करके लाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि उस एयरपोर्ट पर कोलेस्ट्रॉल बमों का मयसर आना नामुमकिन है। ये बम इस किस्म के कमर्शियल हवाई अड्डों पर नहीं रखे जाते। लीडर इस दौरान बहुत कुछ सोच रहा था। उसे इमरान का ये मंसूबा कारगर नजर आ रहा था, अगरचे मुश्किल जरूर था। उसका दिमाग उसी वक्त से उस पर काम करने लगा जब से इमरान ने कोलेस्ट्रॉल बमों का जिक्र किया था, क्योंकि ये वो भी जानता था कि इतने बड़े और पहाड़ियों के दरमियान दर्रे की शक्ल में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फैले हुए टारगेट को तबाह करना इतना आसान नहीं था। उसे सिर्फ ऊपर से बमबारी करके तबाह किया जा सकता था। उसने इमरान से कहा, भारत मुजाहिदीन कश्मीर की तहरीक आजादी को खत्म करने के लिए हर किस्म के वहशी और मजमूम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उसकी फौज ने कश्मीर के एक गांव को तबाह करने के लिए आतिशगीर कोलेस्ट्रॉल बम भी गिराए थे। ये बम फौजियों ने एक हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए थे। भारत कई बार ये वहशियाना हरबा इस्तेमाल कर चुका है। इस मकसद के लिए भारतीय फौज ने यहाँ से कुछ दूर जुनूब की पहाड़ियों में एक जगह हेलीकॉप्टर पैड बना रखा है। इस हेलीपैड के एक गोदाम में कोलेस्ट्रॉल बमों का एक महदूद जखीरा हर वक्त मौजूद रहता है। जब तुमने कोलेस्ट्रॉल बमों का जिक्र किया था और मैंने तुम्हें कहा था कि उनका इंतजाम हो सकता है, तो मेरे जहन में हेलीपैड का ये जखीरा ही था। सवाल ये है कि अगर हम किसी न किसी तरह वहाँ से कोलेस्ट्रॉल बम निकालने में कामयाब हो जाएं, तो हेलीकॉप्टर लाते वक्त वहाँ सबको पता चल जाएगा और हमारे अगवाशुदा हेलीकॉप्टर को हमारे समेत मार गिराने या उसे जबरदस्ती नीचे उतरवाने के लिए रॉकेटों से लैस तीन चार हेलीकॉप्टर हमारे पीछे लग जाएंगे और हम नीचे उतरने पर मजबूर हो जाएंगे और सारा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बाकी जहां तक श्रीनगर के हवाई अड्डे का ताल्लुक है, वहां से किसी हेलीकॉप्टर या छोटे फौजी तैयारे को हाईजैक करके यहां तक लाना आसान नहीं। इलाके की सारी फौज अलर्ट हो जाएगी और किसी न किसी जगह नीचे से रॉकेट फायर करके हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकेगा। ये कहकर लीडर भी खामोश हो गया। हैदर और इमरान भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।